तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 5 बेस्ट रियलमी 5G स्मार्टफोन अंडर 15,000, जहाँ पे आपको 15,000 के अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, 67 वाट के फास्ट चार्जिंग मिलेगा, 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा और भी काफी अच्छे अच्छे फीचर मिलने वाले हैं सिर्फ 15,000 के अंदर। तो आपको अगर चाहिए 15,000 के अंदर रियलमी की 5G स्मार्टफोन तो वीडियो को फुल देखना, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस लिस्ट की जो सबसे पहले डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, एक डिवाइस होने वाले रियलमी की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस रियलमी P1 5G, जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ प्लास्टिक बैक मिलने वाले, कैमरा मॉड्यूल राउंड शेप पे मिलेगा जहाँ पे आपको दो कैमरा मिलेगा। उसके साथ साथ डिवाइस की वेट 188 ग्राम होने वाले, तो डिवाइस काफी हल्का है। तो ओवरऑल डिजाइन काफी अच्छा है। वही बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाले 6.67 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। तो डिवाइस काफी स्मूथ होने वाला है। उसके साथ साथ डिवाइस पे आपको 2000 नीट ब्राइटनेस भी मिलेगा, तो आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा है। यहाँ पे एमोलेड मिलता है, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। नेक्स्ट बात करें इस डिवाइस के कैमरा के बारे में, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। कैमरा मॉड्यूल राउंड शेप पे होगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। वह पे बात करें फोन कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाले मीडियाटेक डायमेंसिटी 705G चिपसेट, जो 6nm पे बेस है। और दोस्तों, इसकी एंटू स्कोर 6 लाख से भी ज्यादा है, तो काफी पावरफुल सा एक चिपसेट है। यहाँ पे आप हाई लेवल की गेम प्ले भी कर सकते हो, तो गेमिंग के लिए भी आप इस डिवाइस को चूज कर सकते हो। बात करें रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट मिलेगा, 6GB 128GB 8GB 256GB UFS 3.1 टाइप का। इस डिवाइस को पावर देने के लिए यहाँ पे दिया गया 5000 mAh का लार्ज बैटरी विद 45 वाट फास्ट चार्जिंग, जो इस डिवाइस को सिर्फ 27 मिनट पे 50% तक चार्ज कर देगा, जो काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ इस डिवाइस पे आपको स्टेरियो स्पीकर की सपोर्ट भी दिया गया है। इस डिवाइस पे आपको 3.5mm जैक मिल जाएगा, NFC नहीं मिलेगा। डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 14 रियलमी UI 5.0 पर। डिवाइस पे आपको IP54 की रेटिंग भी मिलने वाले। तो दोस्तों, ये तो होगा इसके सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो इसकी जो बेस बैंड 6GB 128GB, उसकी करंट टेम्पर प्राइस 16,000 है, पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद ये डिवाइस अंडर 15,000 में आ जाता है। वहीं पे बात करें सेकेंड बैंड 8GB 256GB की, तो उसके करंट टाइम पे प्राइस 17,000 है, वहाँ पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट पे रियलम की एक काफी शानदार सा डिवाइस है, तो आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। तो दोस्तों, ये डिवाइस आता है Realme की न्यूली लॉन्च डिवाइस Realme C67 5G, जो एक बजट 5G स्मार्टफोन है। तो बिना टाइम वेस्ट के एक एक करके इसके सभी फीचर को जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.72 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 600 नीट पिक ब्राइटनेस भी मिलेगा। वहीं पे बात करें इसके लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे आपको राउंड शेप पे डुअल कैमरा सेटअप बैक पे मिलेगा, और जो बॉडी होगा वो प्लास्टिक का होगा। तो लुकिंग वाइज ये डिवाइस काफी अच्छा और काफी एक फ्यूचरिस्टिक सा लुक देता है। और दोस्तों, वहीं पे बात करें अदर फीचर की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है रियर पे डुअल कैमरा सेटअप, जहाँ पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस 5G चिपसेट, जो 6nm पे बेस्ड है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको रैम रोम मिलने वाले दो वेरिएंट पे, जहाँ पे बेस वेरिएंट 4GB प्लस 128GB होने वाले, वही पे सेकेंड वेरिएंट आपको 6GB प्लस 128GB होगा। और दोस्तों, बात करें बैटरी की, तो इस डिवाइस पे आपको मिलने वाले 5000 mAh का लार्ज बैटरी विद 33 वाट फास्ट चार्जिंग, जिसकी मदद से आप 1 to 50% चार्ज सिर्फ 30 मिनट पे
कर सकते हो। वहीं पे बात करें सिक्योरिटी की तो ऐप आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है इस डिवाइस पे। उसके साथ साथ ऐप आपको IP53 का रेटिंग भी मिल जाता है जिसके मदद से ये वाटर और स्वेट और स्प्लैश प्रूफ भी है। ये डिवाइस रन होने वाले Android 13 और Realme UI 4.0 पे। तो दोस्तों ये तो हो गया Realme C67 की सभी फीचर। आप बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इसकी जो बेस ब्रांड 4GB प्लस 128GB का नॉर्मल टाइम पे प्राइस 13,000 रहता है, वहीं पे जो 6GB प्लस 128GB है उसकी प्राइस 14,500 रहता है। पर मैक्सिमम टाइम कोई भी सेल पे या पे आपको 1000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे कि देख सकते हो करंट टाइम पे एक्सिस बैंक की क्रेडिट कार्ड पे 1600 के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है और डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 11,400 हो चुका है। तो इस प्राइस पॉइंट पे रियलमी की A1 5G डिवाइस काफी अच्छा है, तो इसके साथ आप जरूर जा सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस आता है रियलमी की तरफ से Realme 11X 5G। तो क्या कुछ मिलता है इस डिवाइस में, एक एक करके सब कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लुक एंड डिजाइन की। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है काफी प्यारा सा लुक। रियर पे आपको राउंड शेप पे कैमरा मॉड्यूल मिलेगा जो काफी अच्छा आपको लुक प्रोवाइड करेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलेगा और प्लास्टिक बैक मिलेगा। जो कैमरा मॉड्यूल है वो काफी यूनिक है इसकी। वहीं पे बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.72 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जब आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। वहीं पे आपको 680 निट पीक ब्राइटनेस की सपोर्ट दिया गया है। और दोस्तों बात करें कैमरा की तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होने वाला है जिससे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे उसके साथ साथ आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी मिल जाएगा। वहीं पे बात करें सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे बात करें कैमरा की क्वालिटी की तो प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा आपको वीडियो और फोटो क्वालिटी निकल के दे देता है। और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है MediaTek Dimensity 6100 प्लस चिपसेट, जो एक 5G चिपसेट और 6 nm बेस है। और दोस्तों ये एक न्यूली चिपसेट है तो परफॉर्मेंस वाइज भी काफी अच्छी है। वहीं पे बात करें रैम की तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे बेस वेरिएंट 6GB रैम 128GB रैम मिलेगा, वहीं पे और एक वेरिएंट पे आपको 8GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाले 5000mAh का लार्ज बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग जिसकी मदद से आप 1-50% चार्ज सिर्फ 29 मिनट पे कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है। डिवाइस रन होने वाले Android 13 और Realme UI 4.0 पे। तो दोस्तों ये तो गाइस इसकी सभी फीचर। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो जो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 14,999 है, और दोस्तों जो 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 15,999 है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा सा एक डिवाइस है और फ्लिपकार्ट पे इसकी बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव रिव्यू भी आया है। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसे बाय किया और रेटिंग दिया है। तो आप समझ सकते हो ये मोबाइल काफी पॉपुलर हुआ है इंडियन मार्केट पे। तो दोस्तों आप अगर एक Realme का फैन हो और 15,000 के अंदर एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो Realme 11X 5G को जरूर बाय कर सकते हो। काफी प्यारा सा एक डिवाइस है। तो दोस्तों ये डिवाइस है Realme की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस Realme 11 5G, जो एक काफी शानदार सा डिवाइस है। तो बात करें इसके लुक एंड डिजाइन की तो यहाँ पे आपको बैक पे राउंड शेप पे कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, प्लास्टिक बैक होगा, उसके साथ साथ एल्यूमिनियम फ्रेम में मिल जाएगा। डिवाइस की वेट है 190 ग्राम, जो काफी हल्का है। तो लुक एंड डिजाइन Realme 11 सीरीज की सभी डिवाइस की सेम ही रहता है, सिर्फ कलर में थोड़ी बहुत चेंजेस आता है। तो दोस्तों बात करें इस डिवाइस के डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.72 इंचेस का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, जो काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 550 निट पीक ब्राइटनेस की सपोर्ट भी दिया गया है, जहाँ पे आपको 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलने वाले 20:9 रेशियो के साथ। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी काफी तगड़ी है। और दोस्तों बात करें इस डिवाइस की कैमरा
कैमरा की, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिसकी मदद से आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। और दोस्तों बात किया जाए इस डिवाइस की फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है, इससे आप काफी अच्छी क्वालिटी का फोटो और वीडियो निकाल सकते हो। और दोस्तों बात किया जाए इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस 5G चिपसेट। ये डिवाइस 5G के साथ आने वाला है। बात किया जाए रैम और रोम की, तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिलेगा, जहाँ पे बेस वेरिएंट पे 8GB रैम 128GB रोम मिलेगा, उसके साथ साथ 8GB रैम और 256GB रोम और एक दूसरे वेरिएंट पे मिलने वाला है। और दोस्तों मुझे सबसे अच्छी लगी इस डिवाइस के, इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला 5000mAh का लार्ज बैटरी विद 67W फास्ट चार्जिंग। हाँ दोस्तों इस डिवाइस पे आपको 67W की चार्जिंग मिलने वाला है, जिसके मदद से आप 0-50% चार्ज सिर्फ 17 मिनट पे कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। वही पे इस डिवाइस पे सिक्योरिटी पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है। ये डिवाइस रन होने वाले रियलमी UI 4.0 और एंड्रॉइड 13 पे। इस डिवाइस पे आपको डुअल सिम की सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी जो 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी काइंड टाइम पे प्राइस 17,000 है, पर यहाँ पे मैक्सिमम टाइम 1,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद इसके प्राइस 15-16,000 के अंदर रहते हैं। तो इस प्राइस पॉइंट पे आप अगर पाते हो तो काफी शानदार सा एक डिवाइस है, आप इसे जरूर ले सकते हो। वही पे बात करें दूसरे वेरिएंट की 8GB प्लस 256GB, उसकी काइंड टाइम पे प्राइस 19,999 है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी बाय कर सकते हो। तो दोस्तों ये डिवाइस होने वाला है रियलमी की तरफ से आने वाला नार्जो सीरीज का रियलमी नार्जो 65G, जो काफी अच्छा सा एक डिवाइस है। तो एक एक करके क्या कुछ मिलने वाला है जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो बैक पे आपको राउंड शेप पे कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, और बैक आपको प्लास्टिक और लेदर फिनिश दोनों पे ऑप्शन मिल जाएगा। वही पे जो फ्रेम वो प्लास्टिक का होने वाला है। डिवाइस की वेट होगा ओनली 182 ग्राम, तो डिवाइस काफी हल्का होने वाला है। वही पे बात करें जाए डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.63 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। हाँ दोस्तों इस मोबाइल पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है विद 90Hz रिफ्रेश रेट, तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी होने वाला है, जहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलने वाला है। वही पे बात किया जाए कैमरा की, तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा रियर पे, जहाँ पे मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिससे आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं पे उसके साथ साथ आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। वहीं बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। और दोस्तों बात किया जाए इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 चिपसेट, जो एक 5G चिपसेट है, जहाँ पे इंडिया के अवेलेबल सभी 5G बैंड मिल जाएगा। तो 5G कनेक्टिविटी काफी अच्छा इस डिवाइस पे होने वाला है। और दोस्तों बात किया जाए रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिलेगा, बेस वेरिएंट पे 8GB रैम 128GB रोम मिल जाएगा, उसके साथ साथ 8GB रैम 256GB रोम और एक वेरिएंट पे मिलेगा। बात किया जाए इस डिवाइस की बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलने वाला है विद 33W फास्ट चार्जिंग, जिसकी मदद से 50% चार्ज ओनली 29 मिनट में होने वाला है। और दोस्तों जैसे कि ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मोबाइल है, तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट भी दिया गया है, उसके साथ साथ 3.5mm जैक भी मिलने वाला है। वही पे यहाँ पे आपको डुअल सिम की सपोर्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये डिवाइस एंड्रॉइड 13 और रियलमी UI 4.0 पे रन होगा। तो दोस्तों ये तो गाइस इसकी सभी फीचर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो दोस्तों इसकी जो 8GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 11,500 है, और मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे आपको 1000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, तो डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस 15,000 के आसपास आ जाता है। वही मैं बात करें 8GB प्लस 256GB वाला वेरिएंट की, तो उसकी प्राइस 19,500 है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं।